किसानों की गेहूं की फसल जैसे तैसे कर मंडी में पहुंचनी शुरू ही हुई थी कि अनाज मंडियों में हालात बेकाबू नजर आने लगे। बात रादौर अनाज मंडी के करें तो यहां गेहूं उठान की गति धीमी होने के कारण लाखों गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। वहीं आढ़तियों की माने तो गेहूं उठान में आ रही दिक्कत सरकार की गलत पॉलिसी का ही नतीजा है, जिस कारण मंडी में गेहूं का उठान सही तरीके से नहीं हो पा रहा। उठान के कारण मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच मंडी प्रशासन समस्या के जल्द समाधान के दावे कर रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नजारा रादौर अनाज मंडी का है, जहां पर उठान की धीमी गति के कारण चारों तरफ गेहूं के बैग ही बैग नजर आ रहे हैं। इस बारे में जब मंडी के आढ़तियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस हालत के लिए सरकार की उठान नीति को ही जिम्मेदार ठहराया है। एक आढ़ती राहुल काम्बोज ने बताया कि सीजन के शुरुआत में ही उठान की यह समस्या सरकार द्वारा बनाई गई उठान पॉलिसी है, जो ना कि आढ़तियों के लिए सही है और ना ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए। उन्होंने बताया कि पहले तिथि अनुसार उठान होता था, लेकिन अब ये फॉर्म के अनुसार उठान किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर मंडी में यही हालात रहे तो मंडी में गेहूं लेकर पहुंच रहे वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें लग जाएंगी। वहीं मंडी में फसल लेकर पहुंचे एक किसान मायाराम ने बताया कि उठान की वजह से उनकी फसल नहीं बिक पा रही है और जो फसल खेत में तैयार है उसे मंडी में उठान ना होने के कारण आ नहीं सकते। उधर इस बारे में जब मार्केट कमेटी रादौर के सचिव जयसिंह से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि मंडी में इस समय उठान की काफी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि उठान में तेजी आने के लिए खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि इस वक्त मंडी में 1,11,000 बैग अभी बिना उठान के बकाया पड़े हैं, जिस वजह से किसानों को मंडी में गेहूं डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल से उठान में दिक्कत से ही यह समस्या आ रही है, जिसको दूर करने के प्रयास जारी है। मेन जो समस्या है अब की बार लोडिंग किया सर, पहले तो जो काफ़ी समस्याएं थी वो सॉर्ट आउट होगी हमारी सरकार के साथ मिलकर, लेकिन अब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है अब की बार लिफ्टिंग की, वो पिछले साल से बिल्कुल डिफरेंट है और उस पॉलिसी पे काम करना ट्रक यूनियन के लिए भी बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारे लिए भी। पहले क्या था सर, पहले आई फॉर्म के वाइज मतलब कि डेट वाइज माल लोड होता था, अब ये बोलते हैं भी जे फॉर्म वाइज माल लोड करो सर, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देख लो सर, आज 12 तारीख होगी और मेरे एफर्ट पे कम से कम भी 8-10 हज़ार कट्टा पड़ोगा सिर्फ मेरे अपनी अपनी दुकान का, और सिर्फ 150 कट्टा लोड हुआ सर आज 12 तारीख शुरू होगी। और ऐसे लग रहा भी अगर बरसात बाई चांस बरसात होगी तो सर क्या हाल होगा यहाँ मंडी का। अगर सर यही हालत रहे ना तो कल से यहाँ झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, आप किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखना आप सड़क पर लग जाएंगी, इतना मुश्किल हो जाएगा काम करना सर, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो अब तो अपने इसी कमरे में बैठ के पॉलिसी बना देते हैं सर, धरातल पर बिल्कुल अलग कुछ हो रही होता है। तीनों मंडी में 82,595 क्विंटल गेहूँ आ चुकी है और अनाज मंडी रादौर में लिफ्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हाईपड़ के 1,11,000 कट्टे अभी बकाया पड़े हैं। इसकी वजह से मंडी में किसानों को गेहूँ डालने की बड़ी दिक्कत आ रही है। हाईपड़ मैनेजर से बार बार इस बारे बात की जा रही है, आज शाम तक हाईपड़ मैनेजर कहता है कि आज शाम तक लिफ्टिंग की पोजिशन तेज़ कर दी जाएगी। मैनेजर हाईपड़ वेयर हाउस द्वारा बताया गया कि मंडी से जो पोर्टल होता है उसमें किसी दुकान से 50 कट्टे 100 कट्टे ऐसे 4-5 दुकानों से लिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी लेकर आने में असमर्थ हैं। वो कहते हैं कि हम तो एक ही दुकान से लोड करेंगे। इस बारे में मैनेजर से बात की गई, वो कहता है हमारे ऊपर से इसलिए बातचीत हुई। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक